मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों VDC मेंबर से लखनऊ से वर्चुअल संवाद किया, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों व VDC मेंबर से वर्चुअल संवाद किया और सभी ग्राम प्रधानों को बताया कि प्रदेश सरकार ने किस तरह गाँव के विकास के लिए ज्यादा धनराशि आवंटित किया जिससे ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो कार्य कराए जा रहे हैं, बताया कि आंगनबाड़ी का कायाकल्प, स्कूल का कायाकल्प, पंचायत भवन का निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण हुआ और नागरिकों को महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है जिससे कि सभी नागरिक शांति से व सुकून से रह सकें और उनका जीवन स्तर आगे बढ़ सके। और उन्होंने प्राइमरी स्कूल को मॉडल बनाने के लिए भी प्रधानों से बात की और सभी प्रधानों से आह्वान किया कि सभी प्रधान VDC मेंबर अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे जिससे कि गांव का समुचित विकास हो सके और उत्तर प्रदेश देश में उत्तम प्रदेश बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के परफॉर्मेंस ग्रांट के 32 ग्राम पंचायतों में 249 करोड़ की धनराशि दी गई है जिससे कि मॉडल गाँव बन सके, जिसके लिए 29 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो गया है और 3 ग्राम पंचायतों में कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा जिससे स्मार्ट गांव बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ग्राम प्रधानों और VDC मेंबरों से बात की, ये मुख्यमंत्री जी ने बात करके जो है लोगों को बताया, ग्राम प्रधानों को बताया कैसे पिछले 5 साल में सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में एक्स्ट्रा धनराशि दी है, काफ़ी ज़्यादा धनराशि अब राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आ रही है ताकि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायतों में जो कार्य कराए जा रहे हैं उसके बारे में बताया कि इसके आंगनबाड़ी का कायाकल्प, स्कूल का कायाकल्प, साथ ही पंचायत भवन का निर्माण, पंचायत भवन का कायाकल्प और व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण, फ्री राशन दिया जा रहा है लोगों को ताकि सब लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से लोग रह सकें और जो जीवन स्तर है लोगों का ऊपर उठ सके। इसके अलावा उन्होंने आगे जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो फोकस है उसके बारे में बताया, प्राइमरी स्कूल में कैसे और भी ज़्यादा बेहतर उसको बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बात की और ग्राम पंचायतों का आह्वान किया कि प्रधान जी लोगों का आह्वान किया कि मिलजुल करके काम करेंगे तो देश का और जो है राज्य का जो है सर्वांगीण विकास होगा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वांगीण भूमिका वाला राज्य बनकर उभरेगा। सर कुछ योजनाएं चल रही है उसके बारे में बात की थी, परफॉर्मेंस ग्रांट में जैसे जिसमें पैसा गया है। हाँ, परफॉर्मेंस ग्रांट के कुल मिलाकर के गोरखपुर में 32 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 249 करोड़ की धनराशि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। इस सारे गांव ने खुद से आय से अर्जित की थी तथा इन गांव ने ऑडिट किया था 13, 14, 15 इस आधार पर इन गांव को धनराशि दी गई थी। उसमें अभी सब जगह जो है इसकी टेक्निकल और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सबकी ले ली गई है। कार्य जो है 29 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ भी हो गया है, बाकी 3 ग्राम पंचायतों में अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ये जो लक्ष्य यही है, जो यही उद्देश्य है कि ये सभी 32 गाँव को मॉडल गाँव की तरह डेवलप कर दिया जाए, यहाँ जो भी बेसिक एमिनिटीज, जो स्मार्ट विलेज का जो सपना है वो यहाँ पर साकार होगा। जिस तरह स्मार्ट सिटी होता है उसी तरह स्मार्ट विलेज बनाने का जो सपना है, यहाँ पर सब जगह पर्याप्त मात्रा में धनराशि का सही से सदुपयोग करा करके इसको मॉडल गांव की तरह डेवलप कराने का काम चलाया जा रहा है। कोई भी जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, चाहे नाली हो, खडंजा हो, सीसी रोड हो, या इसके अलावा स्ट्रीट लाइट हो, सोलर लाइट हो और हाई मास्ट लाइट हो, पार्क हो, ओपन जिम हो, इसके अलावा जो पोखरे का सौंदर्यकरण है, इस तरह का हर तरह का काम को लेकर के वहाँ पर बेंच बैठने के लिए बेंच है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ये कराया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस हैं, स्कूल का कायाकल्प है, आंगनबाड़ी का निर्माण है, आंगनबाड़ी का कायाकल्प है, पंचायत भवन का निर्माण है, सामुदायिक भवन का निर्माण है, बारात घर का निर्माण है, सभी कार्यों को ले जाकर ले इसमें लिया गया है ताकि जो भी ग्राम पंचायत, ये 32 ग्राम पंचायतें हैं, ये मॉडल गाँव की तरह डेवलप हो। इसमें एसएल डेवलप पे भी विशेष फोकस किया गया है। इसमें MCC और MRF, जिसको मटेरियल रिकवरी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर और माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर कहते हैं, दोनों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जो कूड़े का जो ठोस और द्रव कूड़ा है उसका प्रबंधन सही से हो सके और ग्राम पंचायतों का, इन 32 ग्राम पंचायतों को हम लोग पूरे देश में मॉडल गाँव की तरह डेवलप कर सकें।